अपनी शादी को लव जिहाद बताने पर देबोलीना भट्टाचार्जी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया है। देबोलीना ने अपने पति को ट्रू मुस्लिम बताते हुए कहा है कि उनमें गलत को गलत कहने की ताकत और हिम्मत दोनों है। दरअसल पिछले दिनों रिलीज हुई द केरल स्टोरी का देबोलीना सपोर्ट कर चुकी हैं। वो अपने मुस्लिम पति शहनवाज शेख के साथ ये फिल्म देखने गई थी और दोनों को ये फिल्म भी पसंद आई थी, लेकिन अचानक देबोलीना और उनके पति को ट्रोल करने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब साध्वी प्राची ने हरिद्वार में हुई द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग की तस्वीरें शेयर की। साध्वी प्राची ने ट्विटर पर लिखा, हरिद्वार की बेटियों को द केरला स्टोरी फ्री में दिखाई गई है। इसी ट्वीट के कमेंट सेक्शन में किसी ने देबोलीना और उनके पति के नाम को मेंशन कर उनकी शादी को लव जिहाद बताते हुए लिखा कि देबोलीना को बुलाया था क्या? उस शख्स ने ट्वीट किया, डॉक्टर निजी, देबोलीना भट्टाचार्जी को बुलाया था क्या? इन्होंने इसी फिल्म में काम किया है। विकिपीडिया कहता है कि इनके पति का नाम शहनवाज शेख है, शायद आपको पता ना हो, लव जिहाद की ऐसी की तैसी। ये ट्वीट देखकर देबोलीना को गुस्सा आ गया और उन्होंने जवाब देते हुए लिखा, अरे खान साहब, मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं और मेरे हस्बैंड पहले ही देखकर आ गए द केरला स्टोरी और हम दोनों को बहुत अच्छी लगी मूवी। ट्रू हिंदू मुस्लिम का नाम सुना है क्या? मेरे पति उनमें से ही हैं जो गलत को गलत कहने की ताकत और हिम्मत दोनों रखते हैं। इससे पहले देबोलीना ने द केरल स्टोरी देखने के बाद कहा था कि फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। द केरल स्टोरी आतंकवाद के खिलाफ और फिल्म ने समाज के असामाजिक तत्वों के बारे में लोगों की आंखें खोल दी हैं। देबोलीना ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। देबोलीना ने पिछले साल अपने मुस्लिम जिम कोच शहनवाज शेख के साथ शादी रचाई थी। इस पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। देबोलीना की शादी में उनके परिवार के लोग और कुछ करीबी दोस्त शामिल हुए थे। देबोलीना की शादी वाले दिन तक लोगों को पता नहीं था कि वो किससे शादी करने जा रही हैं। जब देबोलीना ने शादी की फोटो शेयर की तब पता चला कि उनके पति शहनवाज शेख बने हैं। वेल, देबोलीना के जवाब पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।